दोस्तों 5000 के 50000 कैसे बनाना है, चलिए आज आपको वो बताते हैं हम। सारा रॉ मटेरियल जिससे ये प्रोडक्ट तैयार होने वाला है, ऐसी क्वालिटी आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एक मिनट में आप काउंट कर लो 500 पीस तैयार होंगे इस मशीन से। तो इस बिजनेस को आप कैसे करोगे, कहाँ बेचोगे, कितना प्रॉफिट होगा, सारी जानकारी आज आपको दूंगा मैं इस वीडियो में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे 60 सेकंड में हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट के लीडिंग प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इस डेमो को। इस सिरिंज के अंदर हम लोग भरेंगे 60 ml, यानी कि 60 ml पानी। ये 60 ml पानी हमने पूरा भर लिया। मार्केट के लीडिंग ब्रांड में हम लोग इसको डाल रहे हैं और उसके बाद देखेंगे 60 सेकंड में हमारे प्रोडक्ट में और मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। ये पूरा सीरीज हम लोगों ने इसमें खाली कर दिया 60 ml का। ठीक है सर, हमने दूसरा सीरीज रेडी किया अगेन 60 ml। ठीक है, अब हम इसको हमारे प्रोडक्ट में डालेंगे। ओके, आप देखिए किस स्पीड से उसको एब्जॉर्ब करते चले जा रहा है और जैसे हम दोनों के अंदर पूरा लिक्विड डाल देंगे उसके बाद हम टाइमर लगाएंगे 60 सेकंड का। हाँ। और आप डिफरेंस देखिएगा कि क्या आपको समझ में आया कि इन दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ये हमारा गो गर्ल ब्रांड का सैनिटरी पैड है। ठीक है, जो मार्केट के लीडिंग ब्रांड से कॉम्पीट कर रहा है। अब हम टाइमर शुरू करेंगे। ठीक है सर, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अब दोनों पैड को ध्यान से देखते रहिए। 1, 2, 3 सेकंड टाइमर शुरू हो चुका है। हाँ। जैसे टाइमर पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम ये दो टिश्यू लेके दोनों को प्रेस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट अभी भी काफी गीला है और कौन सा प्रोडक्ट कम गीला है या पूरा सूख चुका है। पहले हम हाथ लगा के बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बाद में हम लोग टिश्यू लगा के बताएंगे ताकि आपको ज्यादा सही तरीके से समझ में आए, क्योंकि कई बार कैमरे के ऊपर आपको वो गीला है नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन टिश्यू से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो इधर ये 35 सेकंड्स तक पूरे हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ये है मार्केट का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट और ये हमारा गूगल का प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर हमने कंपैरिजन करने के लिए हमारे प्रोडक्ट का साइज थोड़ा सा छोटा लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि हमारा छोटा साइज का प्रोडक्ट भी मार्केट के लीडिंग ब्रांड के बड़े साइज के प्रोडक्ट को भी किस तरीके से कॉम्पीट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों का 60 सेकंड का डेमो कंप्लीट होने वाला है एंड टाइमर कंप्लीट विद द 60 सेकंड। अब हम पहले दोनों पैड पे हाथ रख के देखेंगे। इसको हमने दबाया, इसमें हाथ पे पानी आ रहा है थोड़ा। एक मिनट सर, मैं थोड़ा क्लोजअप से मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये आपका राइट हैंड थोड़ा गिल्ला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला पैड पूरा सूखा है। ठीक है, अब मैं दोनों टिश्यू पेपर लेता हूँ। हाँ, दोनों पे रख देता हूँ। ठीक है सर, कंपैरिजन के लिए आपको आइडिया आ जाए, इसलिए इधर फोकस कीजिए। ठीक है सर, ये दोनों गिलास सेम वेट के होंगे। दोनों गिलास मैंने इस पे रख दिए। ठीक है, और दोनों गिलास मैंने वापस से हटा लिए। ठीक है सर, ये पेड जो है ये टिश्यू पेपर पूरा गीला हो चुका है और ये पूरा की पूरा ड्राई है। ये है इसका टेक्निकल डेमो। आप ये देखने के बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है या ये प्रोडक्ट बेचना है या आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का डेमो हमने आपको करके दिखा दिया कि कितना जबरदस्त, कितना दमदार प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट हो तो आप मार्केट में बड़े आसानी से इसको बेच पाओगे, और कैसे बेचना है, कहां बेचना है और या कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे सवाल मैं आज आप लोगों के लिए सर से पूछने वाला हूं। मेरे साथ आज मिस्टर योगेश देशमुख जी हैं जो आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें आज बताने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद सर। प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए सर, कि आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में। हमने ये इंडस्ट्री शुरू करी सैनिटरी नैपकिन की 6 साल पहले। पहले हम बहुत छोटे लेवल पे काम करते थे जी। जब बाद में हमको समझ में आया कि मार्केट में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है और मार्केट के लीडिंग प्रोडक्ट्स काफी महंगा प्रोडक्ट और काफी बेसिक क्वालिटी में बेच रहे हैं, तब हमें लगा कि अगर हम इसमें ज्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होकर काम करें तो काफी इसको बड़ा किया जा सकता है जी। तब हमने ये आइडिया हमारे पास में, हमने धीरे धीरे ग्रोथ करके आज हमारे पास में बहुत बड़ा सेटअप, जो अपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कैसी फैक्ट्री 500 पीस पर मिनट निकाल रही है। तो हमने हमारा गोगर नाम का ब्रांड शुरू किया। आप भी इस प्रोडक्ट को शुरू कर सकते हैं हमारे पास से 5000-10000 का माल लेके छोटे लेवल पे। हाँ। या आप अपने एरिया के हिसाब से अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। हाँ। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद का ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद का ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगेगा। हाँ। जिसकी जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फोन पर पूरा समझा के देंगे ताकि आपको किस तरीके से ब्रांड का रजिस्ट्री करना है, ट्रेडमार्क लेना है, ब्रांड डिसाइड करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है, पैकेज बनाना है, पैकेजिंग करना है, उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके लिए हम लोगों का डेली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशल, जो कि इंडिया में से हम लोग ही चलाते हैं। शाम को 7 से 8 के बीच प्रोग्राम चलता है, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमको इस इंडस्ट्री में कैसे
ज्यादा ग्रो करना वो सिखाया जाएगा। देशमुख सर, हमारे व्यूअर्स को आप प्लीज ये भी थोड़ा बताइए कि कितने प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं। ओके, काफी अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे। लोगों को मार्केट में पता नहीं कि सैनिटरी नैपकिन क्या साइज और क्या टाइप में अवेलेबल है, तो थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। हम लोग बेसिकली तीन साइजेस बनाते हैं, 240 mm, 280 mm और 320 mm। इसी में हम लोग मोटा वाला और पतला वाला यानी कि मैक्सी और अल्ट्रा बनाते हैं। इसी में हम लोग टॉप शीट में ड्राइनेट और नॉन वन यूज करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स स्ट्रेट फॉर्म में और फोल्डेड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है हम लोगों के पास में। सो ये हमारा गूगल का 10 रुपए का पैकेट जिसमें दो पैड्स आते हैं, अल्ट्रा इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। उसके बाद में आता है हमारा 29 रुपीज MRP का पैकेट जिसके अंदर 7 पैड होते हैं, स्ट्रेट पैड होते हैं, फ्लफी पैड है यानी कि मोटे पैड होते हैं वो। उसके बाद में आता है हमारा 38 रुपीज MRP का प्रोडक्ट, 280 mm इसकी लंबाई होती है, मार्केट में से एक्सेल नाम से जानते हैं। इसमें 7 पैड होते हैं और इसकी एब्जॉर्बेंसी 60 ml से ज़्यादा की होती है। मार्केट के अंदर जो 20 ml का एब्जॉर्बेंस होता है, हमारा उसका 60 ml होता है। उसके बाद में 39 रुपीज MRP का प्रोडक्ट है, 240 mm इसकी लेंथ होती है, फोल्डेड या पैड होता है, हाई एब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। इसके बाद में इससे बड़ा साइज जो होता है वो 280 mm अल्ट्रा होता है फोल्डेड में, जिसकी MRP है 59 रुपीज। इसके होलसेल प्राइस आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइस वेरी हो सकता है। इसके बाद में 320 mm का जो ये पैकेट है अल्ट्रा फोल्डेड का, इसकी एब्जॉर्बेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी लेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है, इसे डबल एक्सल के नाम से जाना जाता है, अभी नए ट्रेंड में इसे ट्रिपल एक्सल भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा 399 रुपीज़ का जंबो प्रोडक्ट है जिसमें 10 सैनिटरी पैड 320 mm के और 10 पेंटी लेना इसके अंदर फ्री दे रहे हैं, और काफी अच्छे ऑफर प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हुई है। अच्छा सर, जो हमारी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको प्लीज कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा बताएं ताकि उनको समझ में आए रेट के हिसाब से। ओके सो हम लोग जैसे तीन साइज मैंने आपको बताया कि हम लोग तीन साइज बनाते हैं, 240 mm, 280 mm, 320 mm। इनके प्राइस शुरू होते हैं 1.50 रुपए से, मात्र 1.50 रुपए में आपको ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उस सब हमारे प्रोडक्ट को आप किसी भी मार्केट के कंपेरेटिव ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट होता है 280 mm का, जो आज की डेट में उसका प्राइस है 1.80 रुपए। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उसमें प्राइस में कुछ 5-10 पैसे का फर्क आ सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। 320 mm जो हमारा सैनिटरी पैड का प्रोडक्ट है वो आपको मिलेगा 2.10 रुपए से लेकर 2.50 रुपए तक, उसकी क्वालिटी, थिकनेस और उसकी एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी के हिसाब से। अच्छा सर, एक चीज और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है? एक्चुअली में जैसा कि आपने प्राइस देखा 1.5 रुपया, 2 रुपए या 2.5 रुपए जो भी प्राइस प्रोडक्ट का, इसे अगर आप लूज में लेते हैं यानी कि जैसा हमने बना के दिया वैसे बना के अगर आप उसको बेच देते हैं तो उसका थोड़ा बड़ा क्वांटिटी लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में एंड यूजर बिना पैकेजिंग के माल नहीं लेता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने नाम का खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा या हमारे गूगल ब्रांड के हिसाब से आपको माल बेचना पड़ेगा। दोनों के ही प्रोसेस थोड़े से अलग है, दोनों में मार्जिन थोड़ा सा अलग है। अगर आप अपना खुद का ब्रांड बना के बेचते हैं तो आप 1.5 रुपए का पीस 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक बड़े आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैकेजिंग करनी पड़ेगी और अपना ब्रांड खुद का तैयार करना पड़ेगा। पैकेजिंग में ब्रांड बनाने में बेसिकली क्या लागत आ जाएगी सर? अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं तो बेसिकली आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसका कितना खर्चा मान ले सर? 8,000 रुपए का एवरेज खर्चा आता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद में पैकेट डिजाइनिंग का खर्चा आपको कुछ 3-4-5 हज़ार रुपए खर्चा लगेगा। पाउच बनाने के लिए शुरू में आपको खर्चा लग सकता है 20-30 हज़ार रुपए का, जो आपके ब्रांड नेम, आपके खुद की डिजाइन, आपकी खुद की MRP, आपकी खुद की क्वांटिटी के हिसाब से डिजाइन होगा। उसके बाद आप अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अब कोई चाहे कि भाई डायरेक्ट आप ही की ब्रांड जो आपका गूगल जो ब्रांड है उसी के साथ जुड़ के बिजनेस करना है तो क्या प्रोसीजर है सर उसका, या कितना प्रॉफिट मार्जिन है? हमारे गूगल के ब्रांड के पैकेट को अगर आप 5-10 हज़ार रुपए से शुरू करना चाहते हैं या 50,000-5 लाख से शुरू करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन आपको 30% यानी कि 30% आपको मिनिमम प्रॉफिट दिया जाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट इसके ऊपर आपको 55% तक। सो ध्यान से सुनिए दोनों मार्जिन, आप 55% तक या 55% तक का आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लेके। अगर आपका शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कम कैपेसिटी है, कम करने के ट्राई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 30% मार्जिन जरूर दिया जाएगा इसमें। सर बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये समझ में ना आए कि जो परसेंटेज की लैंग्वेज आप जो बोल रहे हैं ना सर, उसको फिगर्स में कुछ कन्वर्ट करके बताओ ना सर, थोड़ा इजी हो जाएगा। सो जैसे हमारा जो सबसे अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट है जिसकी MRP है 29 रुपीज यानी कि 29 रुपए का प्रोडक्ट है, जो मार्केट के कंपेरेटिव प्रोडक्ट से सबसे कम प्राइस माना जाता है आज की डेट में और हाई क्वालिटी का माना जाता है, वो आपको डिस्काउंट करने के बाद
जो आप अगर 5-10 हजार का माल भी लेते हैं तो आपको वो 17-18 रुपए तक भी पड़ सकता है, मतलब आपको डायरेक्टली 10 रुपए का डायरेक्ट मार्जिन मिलता है, जबकि जो मेडिकल स्टोर पे अदर ब्रांड्स बिक रहे हैं उनको पूरा एक 30 या 34 रुपए का पैकेट बेचकर भी 3 या 5 रुपए ही मार्जिन मिलता है। तो ये काफी अच्छा डिफरेंस है आपको पैसा कमाने का, और अगर आप लोकल लेवल पे शुरू करेंगे तो आपकी सेल बहुत जल्दी फास्ट होना शुरू हो जाएगी। सर हमारे व्यूअर्स को एक चीज और बता दीजिए, माल लेने के बाद उसको बेचना कैसे है, कहाँ पे बेचना है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, सबके दिमाग में जब भी कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो सवाल सबसे ज्यादा आता है कि इस माल को खरीदने के बाद बेचेंगे कैसे। बिल्कुल सर, इस इंडस्ट्री में हमारे पास में 12,000 से ज्यादा कस्टमरों की रेंज है जिनके पास अलग अलग अनुभव है, जिनके अनुभव हमारे पास तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप किस किस तरीके से कहां कहां बेच सकते हैं तो थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसे आप बचतगढ़ आशा वर्कर्स के थ्रू बेच सकते हैं, इसे आप डोर टू डोर मार्केटिंग के थ्रू बेच सकते हैं, इसे आप लेडीज गारमेंट शॉप, लेडीज कॉस्मेटिक शॉप, लेडीज लिंगरिंग शॉप, साड़ी पीको फॉल की दुकान, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, इन सभी जगह पर बेच सकते हैं। कई लोग इसे वीकली हाट बाजार या मेले में जाकर बेचते हैं, कई लोग इसे शाम के टाइम पे सब्जी मंडी या भाजी मंडी में स्टॉल लगा के बेचते हैं। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से आप इस माल को काफी तेजी से रोज के 50-100 पैकेट आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको हमसे माल लेने के बाद में कभी कोई दुविधा या कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमसे माल नहीं भी लेंगे तो भी हमारे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट को बेचना, उसको मार्केट करना और उसे अपने ब्रांड में कन्वर्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना हम सब सिखाते हैं वहाँ पे आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो योगेश सर से आप बात कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं, और इसी तरीके से जो बिजनेस आइडियाज हैं, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, जेन्युइन बिजनेस आइडियाज आपको मेरे चैनल युवा बिजनेस आइडियाज पे मिलते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, आपसे फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।